हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो वीडियो है ये मैं अभी सिलीगुड़ी में हूँ और सिलीगुड़ी से हम लोग जा रहे हैं आज मिरिक। मिरिक सिलीगुड़ी से लगभग 60 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम। और हम लोग जाके आज शाम तक आ जाएंगे घूम के मिरिक। और मिरिक में जाने के टाइम पर रास्ते में 2-3 पॉइंट है उसको भी देखेंगे, और मिरिक में भी 2-4 पॉइंट है तो उसको भी देखेंगे। तो सब चीज़ देख के हम शाम तक वापस आ जाएंगे आराम से। ये मैं दूसरी बार जा रहा हूँ मिरिक, पहली बार एक बार जा चुका हूँ और दूसरी बार इसलिए जा रहा हूँ कि YouTube में वीडियो बनाना है, आप लोगों को दिखाना है। तो इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए आज अच्छे से दिखाऊंगा मैं क्या क्या है वहाँ पे घूमने के लिए। तो क्योंकि मैं बागडोरा में रहता हूँ तो बागडोरा से हम लोग पानीघाटा वाला रूट पे जाएंगे, और जो लोग सिलीगुड़ी पे रहते हैं तो उनके लिए भी दूसरा रूट है। सब रूट आके फिर बाद में पानीघाटा से ही मिलते हैं, पानीघाटा में मिलते हैं। तो पानीघाटा के बाद हमारा चढ़ाई शुरू होता है। पानीघाटा में हम थोड़ा रुकेंगे, वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है वो देखेंगे, और उसको थोड़ा सा देखने के बाद फिर हम जाएंगे, फिर हमारा पहाड़ी का जो सफ़र है वो शुरू होगा। वहाँ से फिर नॉर्मल रोड नहीं है, उसके बाद चढ़ाई है पहाड़ों का। फिर चढ़ाई करने के बाद थोड़ी सी थोड़ा लगभग 10-15 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद आएगा टिंगलिंग व्यू पॉइंट। तो टिंगलिंग व्यू पॉइंट में थोड़ा सा रुकेंगे, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है वहाँ पे। आई लव मिरिक का पोस्टर लगा हुआ है जो हर जगह रहता है, ट्रेडमार्क टाइप का आई लव मिरिक। तो वहाँ पे थोड़ा देखेंगे आई लव मिरिक वाला जो पोस्टर है, और अच्छे से व्यू बहुत अच्छा आता है वहाँ पे, हम वो भी देखेंगे। टिंगलिंग व्यू पॉइंट के बाद हम जाएंगे मिरिक टाउन। मिरिक टाउन में एक लेक है, बहुत अच्छा लेक है मिरिक में, और वहाँ पे बोटिंग होता है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग होता है। और उसके बाद हम जाएंगे मिरिक का जो भी एक मिरिक का एक मोनेस्ट्री है वहाँ जाएंगे, और एक दो व्यू पॉइंट है रास्ते में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ हम एक दिन में एक्सप्लोर करेंगे। तो मिरिक यहाँ से लगभग बैगडोरा से लगभग 50 किलोमीटर है, सिलीगुड़ी से आपको 60-65 पड़ जाएगा। तो आराम से हम लोग जाके शाम तक आ जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों मिरिक एक्सप्लोर करके आते हैं मेरे साथ, चलिए चलिए। तो दोस्तों शुरू हो चुका है हमारा मिरिक का सफ़र, और मैं अभी बागडोरा से निकल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप बागडोरा से जा रहे हैं तो बागडोरा से जैसे एयरपोर्ट मोड़ से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, वहाँ से पानीघाटा वाला रूट जाएगा। आप किसी को पूछ लीजिएगा, नहीं तो गूगल मैप में देख लीजिएगा आप। तो अगर आप लोग सिलीगुड़ी से जा रहे हैं तो सिलीगुड़ी से आप लोग फिर दार्जिलिंग मोड़ आना पड़ेगा। दार्जिलिंग मोड़ से फिर आप टर्न लेके फिर आपको जो करसियंग वाला रोड है उसमें थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर आपका मिरिक के लिए लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, वो सब आप गूगल मैप में देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग बागडोरा से जा रहे हैं तो एयरपोर्ट मोड़ से थोड़ा आगे जाने के बाद आपका राइट टर्न है। तो इसके बाद जैसे मैं अभी राइट टर्न ले रहा हूँ, तो यहाँ से आप राइट टर्न लेने के बाद यहाँ से पानीघाटा एक ही रोड है, सिंगल रोड है, पूरा पानीघाटा तक ये रोड जाता है। तो यहाँ से पानीघाटा लगभग 20 किलोमीटर है, और उसमें से आधा रोड लगभग 10 किलोमीटर आपका रोड बहुत ही अमेजिंग है, आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा मैं। मतलब ये है कि आप बीच में रास्ता है और दोनों साइड टी गार्डन है, तो आप बीच रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, दोनों साइड पूरा ग्रीनरी है, टी गार्डन है, एकदम प्लेन लैंड वाला टी गार्डन है। आप लोगों को देख के मज़ा आएगा, ये व्यूज़ बहुत अमेजिंग रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वो वाला व्यू देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि जो व्यूज़ है बहुत अमेजिंग है, तो आप देख सकते हैं बीच में रोड है और दोनों साइड इतने बड़े बड़े टी गार्डन है, एकदम प्लेन लैंड वाला टी गार्डन है। जैसे हिल स्टेशन में होता है टी गार्डन, लेकिन यहाँ पे प्लेन लैंड वाला टी गार्डन है। तो आप लोगों को ये व्यूज़ बहुत अमेजिंग है, देख के मज़ा आएगा। ये रास्ते पर गाड़ी चला के आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि रोड जो है बहुत अच्छा है और दोनों साइड टी गार्डन का व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। तो अभी चलते हैं दोस्तों पानीघाटा। दोस्तों अभी हम आके पहुँच गए हैं पानीघाटा पिकनिक स्पॉट। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। आप लोग मैं आपको नीचे जाके दिखा, एक दिन नीचे गया था उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। नीचे बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे पानी आप देखिए कितना नदी का पानी आता है, और दूर पहाड़ी दिखता है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे, आप दिन भर आके यहाँ पे अच्छे से टाइम पास कर सकते हैं। कभी अगर एक्सप्लोर करना हो तो यहाँ पे आके आप दिन भर यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पिकनिक करने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है वहाँ पे नीचे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि दूर पहाड़ी दिखता है और बीच में से एक नदी भी आता है, तो आप लोग जैसे मूवी में देखते हैं सेम टाइप का व्यूज है यहाँ पे। जैसे ही थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ता जाएगा तो भीड़ भी बढ़ते जाएगा यहाँ पे। सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ होता है पिकनिक के लिए। आज तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे दोस्तों, चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि लेट हो जाएंगे मिरिक जाने के लिए। मैं पहले भी एक बार आ चुका था, उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देखिए जैसे ये नीचे का व्यूज़ है, आप देख सकते हैं दूर वो ब्रिज दिख रहा है, और यहाँ पे शाम को सैटरडे संडे बहुत भीड़ होता है, और दिन भर थोड़ा थोड़ा भीड़ रहता है जो लोग पिकनिक करने जाते हैं। तो अगर आप लोग सिलीगुड़ी या बागडोरा से कहीं पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो जो भी पिकनिक का सामान है आप लाके यहाँ पे आराम से आप दिन भर यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। आपका बर्तन चूल्हा सब आप लेके आइए, और यहाँ पे नदी के किनारे आपको बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट मिलेगा। तो अभी चलते हैं मिरिक का जो रोड है वो देखेंगे दोस्तों। तो जैसे ही आप लोग वो पानीघाट्टा वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे, और ब्रिज क्रॉस करते ही आप लोग सिलीगुड़ी का जो मेन रूट है उस पर आप मिक्स हो जाएंगे। सिलीगुड़ी से जो रूट मिरिक जाता है दार्जिलिंग मोड़ से, वो रोड पर आप लोग आके मिल जाएंगे।
तो उसके बाद और एक ब्रिज आएगा जिसको बोलते हैं बालासोन ब्रिज। वो अपने जैसे लद्दाख साइड में देखा होगा, छोटा सा ब्रिज रहता है और उस पर बुद्धिस्ट वाला जो फ्लैग टंगा रहते हैं, तो उस टाइप का ब्रिज है ये। इस पर वन वे है ये, एक साइड से गाड़ी आता है तो दूसरे साइड से वेट करना पड़ता है। तो ये ब्रिज बहुत अच्छा है, पुराना जमाना वाला फील आएगा आपको। तो ये ब्रिज पर अभी मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक साइड से गाड़ी आता है तो दूसरी साइड से गाड़ी आ नहीं पाता है। और इसके बाद हमारा पहाड़ी का जो सफर है वो शुरू होगा, और यहाँ से मिरिक लगभग 25-30 किलोमीटर है। तो हम शुरू करते हैं, और यहाँ टिंगलिंग पॉइंट यहाँ से 15 किलोमीटर है। हम टिंगलिंग पॉइंट में हम लोग थोड़ा रुकेंगे, और इसके बाद जो पहाड़ी का जो सफर है ये ब्रिज के बाद शुरू होता है। दोस्तों अभी हमारा पहाड़ों का जो सफर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके बाद जो भी है पूरा पहाड़ी रास्ता है और बहुत टर्निंग है, और एक एक जगह पे रोड भी ख़राब है। आपको वन साइड जाना पड़ेगा, एक साइड गाड़ी आएगा तो दूसरी साइड आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा रोड है। और रोड इतना तो ख़राब नहीं है, लेकिन कई कई जगह पे बहुत ही ख़राब रोड है, और आप लोगों को देख के गाड़ी चलाना है इसी रूट पर। और बहुत छोटे छोटे रोड है, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से और सावधानी से गाड़ी चलाना होगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। तो कंटिन्यूस आप लोगों को 10-12 किलोमीटर चढ़ाई करना पड़ेगा, और टिंगलिंग व्यू पॉइंट से 4-5 किलोमीटर पहले आपका रोड बहुत अच्छा है, और उसके बाद इतना चढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। टिंगलिंग व्यू पॉइंट तक थोड़ा अच्छा रोड है, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, दोनों साइड टी गार्डन रहता है। और टिंगलिंग व्यू पॉइंट एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ पे। तो ये जो 12-15 किलोमीटर का सफर है, इसमें भी रास्ते में आपको एक दो व्यू पॉइंट है, आप लोग चाहे रुक सकते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं। अच्छा व्यूज है 2-3 जगह पे, वहाँ पे आप लोग रुक के टाइम पास कर सकते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी मैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट पहुँच चुका हूँ, और जैसे आप देख रहे हैं हमने सामने दिख रहा है वो। तो चलते हैं यहाँ पे, एक वीडियो बनाते हैं और उसके बाद हम मिरिक सिटी जाएंगे। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट, ये जगह का नाम टिंगलिंग है, और आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पे। बैकग्राउंड व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, और बैकग्राउंड का व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो फेमस है आई लव मिरिक का जो पोस्टर है यहाँ पे, हम फोटो खींचेंगे वहाँ पे अभी। और व्यू यहाँ पर बहुत अमेजिंग है, मैं 2 महीने पहले भी आया था, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा ग्रीनरी था क्योंकि बारिश खत्म हुआ था तुरंत, और ये चाय का गार्डन पूरा ग्रीनरी लग रहा था, लेकिन अभी इतना ग्रीनरी इसलिए नहीं है कि बारिश खत्म हो गया। और यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट है, ऊपर आप बैठ के व्यू का मजा के लेके हुए खा सकते हैं, एकदम पूरा टॉप पे बैठ के, जैसे आपको लगे कि आप बैठ के एकदम व्यू पॉइंट पे बैठ के खा रहे हो। रेस्टोरेंट टाइप का 2-3 है यहाँ पे, आप खा सकते हैं आराम से बैठ के व्यू पॉइंट का मजा लेते हुए। और व्यू आपको दिखाऊंगा मैं, कितना मस्त व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे आप 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करके फिर मिरिक जाएंगे हम। मिरिक यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत फेमस है, और लोग जब भी जाते हैं यहाँ पे फोटो खींचते हैं और यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करना है, यहाँ पे 10-15 मिनट आप स्पेंड कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये मिरिक का जो रूट है उसी में आता है, रास्ते में ही आता है, तो इसके लिए आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रास्ते में ही आ जाएगा, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका पार्किंग स्पेस बहुत कम है। अगर आप बाइक लेके आ रहे हो तो हो जाएगा, मुश्किल से पार्किंग हो जाएगा, लेकिन अगर कार लेके आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग मुश्किल है, थोड़ा दूर आपको पार्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों यहाँ से पहाड़ी का व्यूज़ बहुत अमेजिंग आते हैं, आप बैकग्राउंड व्यूज़ इस मिरिक आई लव मिरिक का जो लगा हुआ है उसके पीछे जो बैकग्राउंड व्यू है बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग व्यूज़ है आप देख सकते हैं। और वहाँ से जो पीछे जो पहाड़ी का व्यूज़ आता है बहुत अच्छा व्यूज़ आता है, और मेस्मराइज हो जाओगे आप लोग यहाँ पे व्यूज़ देख के, इतना दूर दूर पहाड़ी और कितना मस्त व्यूज़ आता है। और यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट है, आप लोग वह रेस्टोरेंट में बैठ के व्यूज़ का मज़े लेते हुए अब वहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं यहाँ पे, आराम से आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं व्यूज़ लेते हुए। तो अभी चलते हैं दोस्तों हम लोग मिरिक चलते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर है मिरिक, जल्दी पहुँच जाएंगे, चलते हैं। तो अभी हम मिरिक सिटी पहुँच चुके हैं दोस्तों, और सबसे पहले हम जाएंगे मिरिक का जो फेमस मोनास्ट्री है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे एक ऑरेंज गार्डन है जो मिरिक बस्ती में है, और ऑरेंज गार्डन के बाद हम सबसे लास्ट में जाएंगे मिरिक लेक, जो कि सबसे फेमस स्पॉट है मिरिक का। मिरिक लेक हम लास्ट में जाएंगे सबसे लास्ट, और वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों मिरिक मोनास्ट्री। तो फ्रेंड्स अभी हम मोनास्ट्री के पास आके पहुँच गए हैं, बुकार मेगोंग टोलकर लिंग इंस्टीट्यूट करके है, यहाँ पे बहुत लोग बच्चे पढ़ते हैं, और ये मोनास्ट्री है, बहुत फेमस मोनास्ट्री है यहाँ का, और आप व्यू देख सकते हैं, बहुत भी अच्छे व्यू हैं इसके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोविड की वजह से बंद है अंदर जाना, अभी ये 2 दिन से बोल रहे हैं कि बंद है, अब देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि 2 दिन से अभी बंद है ये। अभी जनवरी 7 तारीख है आज, और अभी 3-4 दिन से कोरोना का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इंडिया में, तो हम लोग को ये मौका नहीं मिला अंदर जाने का। लेकिन यहाँ बहुत अच्छे व्यू आएंगे आपको, पूरा मिरिक सिटी का व्यू यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा आप, जो मिलते हैं इसका भी व्यू बहुत अमेजिंग है देख सकते हैं। और यहाँ से जो मिरिक लेक है, मिरिक सिटी है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत टॉप पोजिशन पर है ये टाउन का। तो आप लोग यहाँ पे अगर नॉर्मल टाइम पे आ रहे हैं तो ज़रूर जाना अंदर,
अंदर जाके जो भी है यहाँ मोनेस्ट्री अच्छे से देख सकते हैं आप। मैं तो अंदर जा नहीं पाया लेकिन बाहर से जितना भी देख सकता हूँ बहुत सुंदर है मोनेस्ट्री और बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं अंदर जाके। तो आप लोग अगर आएंगे तो यहाँ पे बाइक पार्किंग का सफिशियंट स्पेस है और मिरिक आने से सबसे पहले ही अगर आप सिलीगुड़ी से मिरिक आ रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट आपका ये आएगा सिटी शुरू होने से। सिटी जस्ट शुरू होते ही आपको राइट साइड में रोड है, बस रोड मेन रोड से 1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप आके यहाँ पे टाइम पास करके जा सकते हैं थोड़ा सा देख के, ये भी बहुत अच्छा स्पॉट है ये मिरिक का। तो दोस्तों अगर आप गूगल मैप में मिरिक मोनेस्ट्री मारेंगे तो ये लोकेशन नहीं दिखाएगा, इसका एक्चुअल नाम है बुकार नेकेडोन चुकार लिंग इंस्टीट्यूट। इसका जो स्पेलिंग है मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मिरिक टाउन जैसे ही शुरू होता है जस्ट थोड़ी देर बाद ही आपका राइट टर्न लेना पड़ेगा इस मोनेस्ट्री के लिए, मेन रोड से 1.5 किलोमीटर है। तो अगर आप मिरिक जा रहे हैं तो सबसे पहला आपका जो स्पॉट है देखने का ये होना चाहिए। तो मेरा तो बैड लक था, किस्मत ख़राब था, तो मैं अंदर जा नहीं पाया। दोस्तों अगर आप लोग जा रहे हैं मिरिक तो पक्का जाना यहाँ पे, ये जो स्पॉट है बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप लोगों को बुद्धिस्ट कल्चर बारे में जानने का मौका मिलेगा, बुद्धिस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये एक मोनेस्ट्री और वो लोग बहुत जाते हैं मोनेस्ट्री, उनके लिए मंदिर है ये। और हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को भी देखने अच्छा लगता है, उनका कल्चर जानने का मौका मिलता है। तो हम लोग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मिरिक आ रहे हैं तो यहाँ आना आप लोग ज़रूर। तो ये मोनेस्ट्री का सबसे जो बेस्ट पार्ट है ये आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है इसका बहुत अच्छा है। आप देख के मेस्मराइज हो जाओगे, आप इतना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से बात किया, उन्होंने बोला नॉर्मल टाइम पे अलाउ करते हैं, आप लोग जाके प्रेयर कर सकते हैं अंदर और आप लोग जाके अंदर पूरा घूम सकते हैं चारों तरफ। और मिरिक जो लेक है, मिरिक लेक का बहुत अच्छा व्यू मिलता है क्योंकि ये मिरिक टाउन का सबसे टॉप पोजिशन पर है मिरिक मोनेस्ट्री, ये जो मोनेस्ट्री है। तो आप लोग वहाँ से बहुत अच्छा व्यूज़ मिलेंगे मिरिक टाउन का, और कुछ अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए थे मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑरेंज गार्डन, चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मेरे मोनेस्ट्री हम गए थे, मोनेस्ट्री तो बंद हो गया है कोरोना की वजह से, वहाँ पे एंट्री बंद है। तो वहाँ पे मैंने लोकल लोगों से बात किया, लोकल लोगों ने बोला यहाँ पे ऑरेंज गार्डन है, आप जाके देख सकते हैं। अभी सीज़न चल रहा है, अगर आप नवंबर दिसंबर जनवरी में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना सारे ऑरेंज है यहाँ पे, बहुत अच्छे ऑरेंज, एकदम येलो येलो ऑरेंज हो रखे हैं, तो मज़ा आएगा। अभी चलते हैं ऑरेंज गार्डन घूमने। इसका लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, ये लोकेशन इसका पुलिस स्टेशन है, मिरिक पुलिस स्टेशन। वहाँ पे किसी को पूछिए कि मिरिक बस्ती कहाँ पे है, तो मिरिक बस्ती से आप लोग किसी भी लोकल लोगों को पूछिए कि ऑरेंज गार्डन कहाँ पे, वो लोग आपको बता देंगे। फिर भी आप लोगों को मैं गूगल मैप में शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं कितना मस्त ऑरेंज हुआ है वहाँ पे, ये देखिए, वाह, देख सकते हैं इतना छोटे छोटे ये ऑरेंज है, आप मज़े ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने ऑरेंज देखा नहीं है कभी, ऑरेंज गार्डन देखा नहीं है, तो आप मिरिक में अगर ऑरेंज गार्डन देखना है तो दिसंबर जनवरी सीज़न में आइए। और ऑरेंज एकदम येलो येलो कलर का एकदम फ्रेश ऑरेंज आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ऑरेंज है, और मज़ा आएगा आप लोगों को यहाँ पे। तो ये जो ऑरेंज गार्डन है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये किसी का पर्सनल है, उन्होंने अपना गार्डन पे ऑरेंज लगा रखा है। और देखने का मौका इसलिए दे रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं देखने, इसलिए देते हैं। तो मेन रोड से यहाँ लगभग 4-5 किलोमीटर है और पूरा आपको डाउन जाना पड़ेगा मिरिक टाउन से, रोड बहुत ही ख़राब है, तो आप लोगों को देख के आना है। मैं लोकेशन बता दूंगा, मैंने जो यहाँ पे जो ओनर है उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि ऑरेंज गार्डन मिरिक करके ऐसे कुछ हमने गूगल मैप पे डाल नहीं रखा है उन्होंने, क्योंकि मैंने भी ऐसे गूगल मैप में जाके सर्च किया, ऑरेंज गार्डन मिरिक करके कुछ दिखाया नहीं। फिर मैं ओनर से बात करके गूगल मैप पे मैंने ये लोकेशन डाला और अभी तक बहुत लोगों ने देख चुके हैं ये। और आप लोग भी अगर गूगल मैप्स के थ्रू जाना चाहते हैं लोकेशन पे, तो आप लोग जस्ट टाइप ऑरेंज गार्डन मिरिक, तो आप लोगों को वो लोकेशन यहाँ दिखाएगा। तो आप लोग वहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो भी डाल रखे हैं बहुत सारे मैप्स में, गूगल मैप में, तो आप लोग आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी पार्किंग का बहुत सफिशियंट स्पेस है, कार एंड बाइक पार्किंग का, और वो लोग 50 रुपये चार्ज करते हैं, जो भी ओनर है वो 50 रुपये लेते हैं गाड़ी पार्किंग विथ अपना जो ऑरेंज गार्डन विजिटिंग, ये दोनों मिला के 50 रुपये लेते हैं वो। तो आप ऑरेंज गार्डन का जाके आप अंदर आराम से घूमिए, बहुत नीचे तक है, बहुत बड़ा गार्डन है, लगभग 200 के आसपास पेड़ है और बहुत अच्छा ऑरेंज हो रखे थे, लेकिन आप लोगों को ऑरेंज प्लॉकिंग का मना करेंगे वो लोग, ऑरेंज आपको तोड़ने के लिए मना करेंगे, तो आप लोग बस देखना है वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे लगभग आप 1 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत बड़ा गार्डन है, आप लोग अच्छे से गार्डन घूमिए यहाँ पे और अच्छे अच्छे फोटोज़ भी क्लिक करिए, ऑरेंज के साथ अच्छा अच्छा रील बनता है, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ भी आते हैं। तो आप लोग पूरा येलो ऑरेंज के साथ बहुत अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करके आधा घंटा यहाँ पे 1 घंटा टाइम स्पेंड करके अच्छे से, इसके बाद हम जाएंगे मिरिक लेक। और मिरिक लेक जाने से पहले मैं ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये मैंने उनका जो ओनर है उनके साथ फ़ोटो लिया था। और ये जो पार्किंग स्पेस आप देख रहे हैं, ये पार्किंग स्पेस है और बहुत पार्किंग स्पेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं दोस्तों मिरिक लेक। तो दोस्तों अभी हम आके पहुँचे हैं मिरिक लेक, द फेमस मिरिक लेक। मिरिक में सबसे बेस्ट प्लेस है ये घूमने के लिए। और मिरिक लेक अभी बंद है, आप देख सकते हैं ये गेट बंद है अभी। और मिरिक लेक के अंदर जा सकते हैं, जो यहाँ पे एक पार्क है,
इसके अंदर अलाउड नहीं है। अभी कोरोना की वजह से यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है, गेट बंद है। तो पहले मैं आया था जब, तो अंदर गया था मिरिक पार्क के अंदर, इसके अंदर। और यहाँ से मिरिक जो टाउन है उसका बहुत अच्छा व्यू आएगा। अभी वहाँ पे एक लेक के ऊपर एक ब्रिज है, उसके ऊपर जाएंगे हम। और यहाँ पे पार्किंग का सफिशियंट स्पेस है, आप देख सकते हैं, कार और बाइक का बहुत स्पेस है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है। और बाइक का 20 रुपीज़ लिया उन्होंने चार्ज, पार्किंग चार्ज, और कार का पता नहीं शायद 30-40 रुपये होगा। तो अभी चलते हैं, शायद बोटिंग भी बंद है अभी, तो आज किस्मत ही ख़राब है हमारा, तो ये सब चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे दुकान भी हैं, आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको अगर यहाँ पे लोकल कुछ खरीदना है तो मिरिक लेक, मिरिक का सबसे फेमस प्लेस ये है मिरिक लेक, सब लोग यहीं पर आते हैं। मिरिक मतलब मिरिक लेक ही है यहाँ भी, तो वहाँ पे लेक के ऊपर एक ब्रिज बना है, उसके पास जाएंगे। और तो ये जो व्यू है, ये मिरिक लेक के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर का व्यू है, आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है। और यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी चेंज होते हैं, कभी धूप होता है तो तुरंत एकदम बादल आ जाते हैं, तो बहुत ठंड लगता है। और जब धूप रहता है तो जो व्यूज़ है बहुत अमेजिंग रहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि बादल आ जाएगा तो सिटी अच्छे से दिखता नहीं है। तो आप देख सकते हैं सिटी कितना अमेजिंग दिखता है यहाँ से, पूरा यहाँ पे वो जो मोनेस्ट्री है वो भी दिखता है यहाँ से, और बहुत अच्छा व्यूज़ आते हैं यहाँ पे सिटी का। तो मिरिक लेक फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, और मिरिक का सबसे पॉपुलर स्पॉट ये है, सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिरिक का ये है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होते हैं, यहाँ पे बोटिंग भी होता है। अभी बोटिंग बंद है कोरोना की वजह से, तो मैं पिछली बार जब आया था उस टाइम बोटिंग चालू था, तो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहूँगा। तो जब भी आप लोग आएंगे यहाँ पे दोस्तों, पक्का यहाँ पे बोटिंग करना है, क्योंकि बोटिंग करके बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे पूरा जो सिटी है, पूरा सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे बोटिंग करके। और लेक बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को बोटिंग करके बहुत मज़ा आएगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लास्ट टाइम मैंने लिया था, लास्ट ट्रिप पे, तो आप देख सकते हैं बोटिंग चालू है, बहुत लोग बोटिंग करते हैं। और अभी कोरोना के टाइम था इसलिए इतना भीड़ नहीं था, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ होता है वीकेंड्स पे। और वहाँ पे एक पार्क भी है दोस्तों, तो आप लोग को पार्क के अंदर ज़रूर जाना जो अभी बंद है, क्योंकि वो पार्क जो है वो लेक के बगल में है, और लेक के पास ही से जहाँ पे पार्क शुरू होता है, तो लेक के बगल में ही आपका चेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे बैठने के लिए, पूरा अच्छा वाला व्यू आता है वहाँ पे लेक का। तो आप लोग ज़रूर पार्क के अंदर जाना। ये जो वीडियो है मैं पार्क के अंदर लिया था, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे चेयर है, लोग बैठे हैं, और जो मिरिक लेक का बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ पे, आप ले सकते हैं वहाँ पे बैठ के, पूरा सिटी का अच्छे से नज़ारा ले सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों जो ब्रिज है वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं, जैसे मैंने लिया है ये आप देख रहे हैं। और अभी चलते हैं दोस्तों, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करेंगे हम। दोस्तों मिरिक लेक में बोटिंग तो बंद है, लेकिन हॉर्स राइडिंग चालू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस हैं। और अभी हम जाएंगे हॉर्स राइड करने, लॉन्ग ट्रिप का 600 बोल रहा था, 500 में बनाया उसको। लॉन्ग ट्रिप मतलब पूरा 3 किलोमीटर का, उधर से लेक के बगल से घुमा के लाएंगे आपको। तो हॉर्स राइडिंग मैंने 2017 में किया था लास्ट, और अभी करते हैं। मैंने उसको बोला कि अकेले चलाऊंगा मैं, और आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा अच्छे से कि कैसे मैं अकेले चलाया। और ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे हॉर्स है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे हॉर्स है, एकदम मस्त मस्त हॉर्स है यहाँ पे। तो हम लोग राइड लेंगे अभी हॉर्स राइड, और पहले हम हॉर्स राइड कर लेते हैं दोस्तों, चलते हैं हॉर्स राइड करने। तो हॉर्स राइडिंग मेरा शुरू हो चुका है दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं अकेला ही चला रहा हूँ। अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेला चला पाऊंगा, तो आप लोगों को हाथ में पकड़ के लेके घुमाएंगे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है दोस्तों। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ट्राई करना चाहिए, हॉर्स राइडिंग सीखना चाहिए, कि वो लोग थोड़ा आपको सिखा देंगे कैसे हॉर्स को कैसे किधर मारने से कैसे खींचने से चलेगा। तो आप लोग ज़रूर चलाना। और आप देख रहे हैं लेक के बगल में ही जो रोड बना है उसी रूट में आप लोगों को घुमाएंगे वो, तो बहुत मज़ा आता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपको डर लगेगा तो आपको हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे, तो आप बस बैठ के चल के जाना है, तो मज़ा आएगा दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना। 500-600 रुपये लेते हैं, और वन टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बहुत मज़ा आएगा ऐसे करके, और बहुत एडवेंचर, बहुत थ्रिल मिलता है ऐसे, अलग टाइप का फील आता है इसमें। और इसके बाद मैंने थोड़ा दौड़ाया था इसको, जो अपना ब्रिज के ऊपर भी आपका लेके जाएंगे वो, जैसे कि अभी आप वो वीडियो देखेंगे, वो हॉर्स को दौड़ा के मैं लेके गया था, तो बहुत मज़ा आया था। और ये ब्रिज के ऊपर मैं जा रहा हूँ अभी, आप देख रहे हैं जैसे, और ये एंड होता है फिर वहाँ पे, चारों तरफ घूम लिया हमने, अभी एंड करेंगे यहाँ पे। तो जो भी घोड़े का मालिक है वहाँ पे रहता है, जो आपका हॉर्स राइड देता है, वो आपका बहुत अच्छे से फोटोग्राफ्स लेता है, जैसे मैंने क्लिक किया है, आप बहुत अच्छे से फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों हॉर्स राइड हो गया, अभी जा रहे हैं एक यहाँ पे व्यू पॉइंट टाइप का छोटा सा है, वहाँ देखेंगे। और उसके बाद उसके लिए आपको बाय वॉक करना पड़ेगा, स्कूटी वगैरह आता है, कभी अलाउ करते कभी अलाउ नहीं करते, उधर से घूम के आना पड़ेगा। लेकिन मैंने बाइक वहाँ पार्क किया था, तो मैं बाई वॉक आ गया, पास था। ये पूरा टीकूट का फॉरेस्ट है मस्त वाला, लेक के बगल में, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है इसका। ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं,
आई लव मिरिक लिखा हुआ है यहाँ पे, आई लव मिरिक लिखा हुआ है और पूरा लेक के बगल में है। यहाँ से लेक का अच्छा व्यू आता है और सिटी का भी अच्छा व्यू हो जाता है यहाँ से, पीछे पूरा टीकू का फॉरेस्ट है। तो ये जो स्पॉट है ये हमारा लास्ट है देखने के लिए आज मिरिक में, और इसके बाद हम जाएंगे लंच करने। यहाँ से मिरिक सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है आप लोगों को, और मिरिक पूरा जो टाउन है बहुत अच्छे से दिखता है और लेक भी पूरा चारों तरफ से दिखता है। यहाँ पे क्या है, एक साइड में टी कूड का फॉरेस्ट है और दूसरे साइड मिरिक सिटी दिखता है आपको। तो आप लोग हॉर्स राइड करके भी यहाँ तक जा सकते हैं या बाई वॉक जा सकते हैं, गाड़ी और लोकल लोग लेके जाते हैं लेकिन टूरिस्ट वालों के लिए अलाउ नहीं है। तो आप लोग बाई वॉक जाना सही रहेगा, थोड़ा जो टी कूड का जो वॉकिंग है थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आई लव मिरिक का जो बना हुआ है स्टेचू, आप वहाँ पे कुछ फोटोज़ ले सकते हैं, अच्छा अच्छा फोटोज़ आएगा वहाँ पे। लोग मिरिक आने के बाद यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं, ताकि ये सिग्नेचर स्पॉट है मिरिक का, तो वहाँ पे आप अच्छे अच्छे फोटोज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों जितना घूमना था घूम लिया, अभी 3 बज रहा है, लंच का टाइम है, तो चलते हैं लंच करने। तो लास्ट टाइम मैं जब आया था तो एक होटल पे खाया था जो मेरे को बहुत पसंद आया था, तो आप लोगों को उधर ही लेके चलूँगा, चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी घूम लिया मिरिक में जितना घूमना है, अभी मैं खाने के लिए आया हूँ लंच। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो यहीं पे खाया था, होटल जगजीत करके है, यहाँ पे खाया था मैंने, बहुत अच्छा था, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है और इतना भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, रीजनेबल प्राइस है और बहुत हाईफाई टाइप का रेस्टोरेंट है और बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे लिकर भी मिलता है आपको, बार कम रेस्टोरेंट है तो फैमिली रेस्टोरेंट भी है और बार भी है, इतना कुछ आप दारू पी रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके, चलेगा, ज़्यादा कुछ वो नहीं है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। आप लोग अगर मिरिक आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर खाना ट्राई करना है, क्योंकि खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। चलते हैं लंच करने इधर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं होटल का जो रेस्टोरेंट का अंदर का जो एम्बियंस है बहुत अच्छा है, हाईफाई टाइप का लगेगा आपको, अंदर बार है और रेस्टोरेंट भी है और टॉयलेट फैसिलिटी बहुत अच्छा है। और अंदर का जो डेकोरेशन है दोस्तों, सबसे अच्छा लगा वो डेकोरेशन, वॉल पे जो डेकोरेशन कर रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है और बहुत अच्छा फील होता है रेस्टोरेंट में जाके अंदर। मुझे तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा ऐसा होटल, क्योंकि इतना बड़ा टाउन पे आपको इतना रीजनेबल प्राइस पे इतना अच्छा होटल, रियली आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और खाना बहुत टेस्टी है वहाँ पे और इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आप लोग यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन यू कैन मैनेज। तो चलते हैं दोस्तों लंच करके हम वापस चलेंगे। तो दोस्तों मिरिक का ट्रिप तो हो गया हमारा, अभी वापस चलने का टाइम है, हम सिलीगुड़ी से आए थे तो वापस सिलीगुड़ी ही जाएंगे हम लोग। और एक बात बता दूं, आप लोग अंधेरा से पहले आप लोग पानीघाटा ब्रिज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरे में गाड़ी चलाना ये पहाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं लगभग 4 बजे के आसपास निकल गया और 5 बजे के आसपास मैं पानीघाटा ब्रिज पहुँच गया था। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डाटा चाहिए और कुछ सजेशन देना है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं, आई विल श्योरली वेलकम योर सजेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पेट्रोल, लंच, हॉर्स राइडिंग एंड ब्रेकफास्ट वगैरह मिला के लगभग 1400 रुपये खर्चे हुए थे मेरे इस ट्रिप में।